इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट कराई जाती हैं ठीक है नाउ यहाँ से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ठीके? इस वेव में जो फोटॉन्स होते हैं ओके उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करके एंड ये इस मेटल प्लेट से बाहर आ जाता है ठीक है इस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ठीक है हम लोग एंड ये जब यहाँ से बाहर आते हैं ओके सो so, इनके पास कुछ कैंटिक एनर्जी होती है ठीक है तो इस एक्सपेरिमेंट में टोटल तीन एनर्जी की चर्चा है ठीक है एक एनर्जी जो कि ये फोटोन के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके आ रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी का जो वैल्यू है वो सपोज कर लो ई है ठीक है एंड दूसरा एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ठीक है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाइ से ठीक है एंड ये होता क्या है देखो इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट से बाहर आना है ठीक है तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स जो है ठीक है उस फोर्स को अपोज करते हुए इसको बाहर आना होता है ठीक है तो जितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है इस मेटल प्लेट से बाहर आने में ठीक है वही होता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट ठीक है तो ये है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट एंड जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया है ओके okay, सो so उसके पास कैनेटिक एनर्जी रहती है ठीक है तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है दैट इज इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन ठीक है जितना एनर्जी लेके आया ओके उसका कुछ पार्ट ठीक है यहां से बाहर निकलने में लग जाता है है ठीक प्लस बाकी जो बच गया ओके वो इसके एनर्जी के फॉर्म में इसके साथ स्टोर रहता है ठीक है तो ये होता है एनर्जी का कंप्लीट बैलेंस नाउ हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि इनिशियली जो फर्स्ट केस है ओके उसमें इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी है ओके वो डबल ऑफ द वर्क फंक्शन है ठीक है यानी कि अगर वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइव है ठीक है तो जो इंसिडेंट वेव का फोटो है ठीक e, है ठेके? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये रिलेशन निकाल लिया नाउ आगे पूछ रहा है कि फाइनली एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज मेड टेन टाइम्स देन द वर्क फंक्शन ओके अब सेकेंड केस में क्या किया गया कि ये जो इंसिडेंट फोटोन्स थे ओके इनका एनर्जी वर्क फंक्शन के टेन टाइम्स कर दिया गया है ओके okay? सो so, अगर सेकेंड केस की बात करें ठीक है ये है हमारा केस नंबर वन ये है केस नंबर टू तो सेकेंड केस में जो इंसिडेंट एनर्जी थी फोटोन की उसकी वैल्यू हो चुकी है टेन फाइव ठीक है टेन टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन ठीक है नाउ हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में ये देखते हैं ठीक है क्वेश्चन बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल एंड फाइनल केस इज देखो अगर फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है यहां से, okay, उसका kinetic energy को हम लोग के ई वन से ठीक है तो ये जो के ई वन है इसका वैल्यू होगा ई माइनस फाइव ठीक है ई e का जो वैल्यू है वो है टू फाइव के बराबर ठीक है तो ये जगह टू फाइव माइनस फाइव तो दिस सिमिलरली अगर इस केस के लिए जो कैनेटिक एनर्जी है इमेटेड इलेक्ट्रॉन्स की उसको के ई टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंसिडेंट वेव के एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ठीक है ई e के वैल्यू है इस पर टेन फाइव माइनस फाइव तो ये हम लोग को मिल जाएगा नाइन फाइव ठीक है नाउ के ई वन बाई के ई टू के ई वन डिवाइडेड बाई के ई टू

तो v1 वन बाई वी का वैल्यू मिल जाएगा v1 वन बाई वी टू इज इक्व टू वन बाई थ्री ठीक है एंड इसी को अल्फा बाई बीटा के फॉर्म्स में लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्फा है इसका वैल्यू वन है एंड जो बीटा है इसका वैल्यू थ्री है ठीक है नाउ हम लोग पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है तो यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा का जो मिनिमम वैल्यू है ये हम लोग को मिल रहा है वन सो so, यही आंसर हो जाएगा ओके okay, अगर ऑप्शन से मैच करें सो ऑप्शन टू विलेक्ट आंसर आई थिंक इट्स क्लियर फॉर वॉचिंग क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर हो सकता है आज डाउनलोड कर डाउट नेटअसएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप